लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीमुंबई की बेलापुर पुलिस ने हाईवे से ऑटो रिक्शा की चोरी करने वाले एक गिरोह के दो आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के नाम अक्षय मोहिते और रोहित केसरी बताए जा रहे हैं। आज परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों पर थाने नवीमुंबई और पनवेल इलाके में कई केस दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में 6 अपराधों का भी खुलासा हुआ है, वहीं 4 ऑटो रिक्शा भी बरामद किए गए हैं। नवीमुंबई के बेलापुर पुलिस ने सीवीडी हाईवे से रोहित केसरी और अक्षय मोहिते नामक दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके खिलाफ नवीमुंबई थाने और पनवेल इलाके में ऑटो रिक्शा चोरी करने का संगीन आरोप है। पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में 6 वारदातों का खुलासा हुआ है, जबकि 4 ऑटो रिक्शा भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को 13 सितंबर तक पुलिस कस्टडी दी गई है। सीबीडी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को एक सीबीडी ब्रिज के नीचे एक डाउटफुल ऑटो मिला जिसका नंबर प्लेट नहीं था, जिसमें एक आदमी बैठा था। उसे पूछताछ करने के बाद उसने ठीक तरह से जवाब नहीं देने की वजह से उसको पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे थोड़ा इंक्वायरी किया उसके पास, तो उन्होंने कबूला कि ये ऑटो उसने चोरी किया है। उसमें उसके साथ जिसका नाम है अक्षय मोहिते, उसके साथ उसका एक और दोस्त है जिसका नाम है रोहित केसरी। ये 26 और 24 साल के लड़के, ये कामोठे का रहने वाला है, खारगर का रहने वाला है। ये दोनों को पूछताछ के बाद उनसे पता चला कि इन्होंने बहुत जगह पे ये चोरी का काम किया है, जिसमें इनके ऊपर पहला भी पूरा इतिहास भी है उनका चोरी का, जिसमें मुंबई में और नई मुंबई में उनके ऊपर पहले 4 मामले दर्ज है। और सीबीडी पुलिस स्टेशन ने उनको ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करने के बाद उनको 16 तारीख तक पेशी मिली है, जिसमें उन्होंने अभी तक 6 ऑफेंस की कबूली दी है, जिसमें 3 सीबीडी पुलिस स्टेशन के, एक सानपाड़ा पुलिस स्टेशन, एक मानपाड़ा पुलिस स्टेशन ठाणे, एक आंबोली पुलिस स्टेशन मुंबई, ये 6 ऑफेंसेस डिटेक्ट हुए, जिसमें से 4 ऑफेंस की ऑटो रिक्शा रिकवर करने में सीबीडी पुलिस कामयाब हुई है। बाकी 2 ऑटो रिक्शा रिकवर करने का काम चालू है। पिछले कुछ दिनों में नई मुंबई में ऑटो रिक्शा चोरी की, लॉकडाउन में भी कुछ समय में ऑटो रिक्शा की चोरी ज़्यादा हुई थी। हमें ये अच्छा कामयाबी है, इसमें हम पूरी छानबीन करेंगे, कोशिश करेंगे। हमें, हमारे पास काफ़ी समय ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है, जिसमें से और कुछ जगह इन लोगों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, इसकी छानबीन सीनियर PI श्री अनिल पाटिल और उनका टीम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी और इंडिया।